अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे पास ये एक 500 वाट का इन्वर्टर आया है, चाइना वाला, सिंगल आईसी वाला, जो कि बिल्कुल बंद है। और इसका क्या क्या फॉल्ट है, इसे मैंने ओपन किया हुआ है और इसको हम आपको चेक करवाते हैं कि आया कि इसमें क्या क्या फॉल्ट है और क्या नहीं है। ये आ गई 3205 वाली साइड, हम अपने मीटर को एडजस्ट कर लेते हैं कंटिन्यूटी पे। ये 3205 आ गई शॉर्ट है, ये भी 3205 शॉर्ट है और यहाँ पे लगती है IRF 740। एक नंबर ठीक है, दो नंबर भी ठीक है और ये तीन नंबर भी ठीक है और ये चार नंबर जो है ये शॉर्ट है। इसमें इस जगह पे ये देखेंगे ना आप, ये प्रिंट तक इसके डैमेज हो गए हैं। ये तब डैमेज होते हैं या तो बैटरी की तार जो है उल्ट लगने की वजूहत बनती है और या तो फिर ओवरलोडिंग होती है। इसमें क्या लगाए हुए हैं ट्रांसफर आपको वैसे चेक करवाते हैं हम, ये आपको दिखाते हैं जी। ये लगा हुआ है जी 4115 के 4145 लगे हुए। और इस साइड पे क्या लगाया हुआ है उन्होंने, इस साइड पे लगा हुआ है सर K 3563 लगा हुआ है इस साइड पे। इस मॉस्फेट को हम ओपन कर लेते हैं, ये जो लगी हुई है इसे हम ओपन करते हैं। ये मॉस्फेट हम ओपन करते हैं जी, परेशान कर रहे हैं सर। ये उनके अच्छे यूट्यूब बंद कर दिया, काम चलाई बैठे दादा, आपसे बनाई एक वीडियो रहा। मॉस्फेट सारी ओपन करके प्रिंट ला के ये सारी मॉस्फेट हम ओपन कर रहे हैं सर। यूट्यूब बेटा मौजूद ना सब मॉस्फेट हमने ओपन कर दिए सर और हम इसके जो प्रिंट है वो साफ कर रहे हैं। प्रिंट सर हमने इसके सारे क्लियर कर दिए हैं जी और इसकी हम बेसिंग चेक करते हैं, आप चेक करते हैं बेसिंग कितने वोल्टेज आ रही है। इसकी हम बेसिंग चेक करते हैं, इसके हम बेस वोल्टेज चेक करते हैं जी 3205 के और 740 के। ये आ गया 3205 वाले जी, 5 वोल्टेज आ गए जी और ये आ गए 5 वोल्टेज आ गए और ये आ गए 740 वाली साइड आ गई जी। ये 10 से 12 वोल्टेज आएंगे, वो इसलिए आएंगे कि क्योंकि इससे यहाँ पे ये 3205 नहीं लगी हुई। 3205 लगा के चेक करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर 5-5 वोल्टेज आ जाएंगे। ये हमने जी 3205 इधर लगा दिए, लगा के और आपको वोल्टेज चेक करवाते हैं जी। ये 8 वोल्टेज आ गए, ये 8 वोल्टेज आ गए और ये 3 वोल्टेज आ गए, ये 3 वोल्टेज आ गए।
ठीक है जी। और इसका हम जो है कैपेसिटर चार्ज करते हैं जी, कैपेसिटर चार्ज हो गया, ये हमने लगा दिया 3205 लगा के, और इस पे अब हम लगाएंगे IRF 740। छः साल हो गए ये हम मॉस्किट लगा रहे हैं। रात में जो दो पंखे चलते थे LCD चलती थी। सर हमारा इन्वर्टर 500 वाट वाला हो गया जी क्लियर, अब इसे ऑन करते हैं, मॉस्किट लग गई है और वोल्टेज चेक करते हैं जी, ये 220 वोल्टेज हो गया क्लियर, 200 वोल्टेज ठीक है जी। ये बाइसिंग 3205 वाली ये भी ठीक ओके की है, और ये 740 वाली इन्वर्टर हो गया जी क्लियर बिल्कुल ओके ठीक है जी। ये है इन्वर्टर बैटरी से 220 वोल्टेज बनाने वाला, और ये वोल्टेज चेक करें जी आप, ठीक है जी ओके हो गया।